राकेश जी, एक और क्वेश्चन है। राजा तनी जाई ने भरिया पार्ट टू दर्शक बहुत बेसब्री से इंतजार करे, क्या आएगा वो गाना? ये बात आई थी। ये बात आपका सही है, क्योंकि हर आदमी का जब गाना हिट होता है तो दर्शक चाहते हैं उसका पार्ट टू आए, तो इसका भी पार्ट टू आना चाहिए, दर्शक पूछ रहे हैं। ये आपकी बात सही है कि मैंने अभी मजाक मस्ती मीन्स कि मैंने ट्राई अगेन एक पोस्ट किया अपने इंस्टा पे कि राजा जाई ना बहरिया टू कौन कौन चाहता है कि रिलीज हो। मैं बहुत खुश हुआ कि सिर्फ एक लिखा हुआ था, होता है ना, उस पर ऐसे डाला था बिना फोटो उठो के, 1000 के करीब, मतलब 1000 के करीब कमेंट है और मैंने अपने पेज पे डाला है। तो लोग चलिए, मैं एक भोजपुरी में एक बात बोल रहा हूँ कि अभी पहली बार ऐसा हो रहा है कि लड़के से ज्यादा कहीं लड़कियों का कमेंट आ रहा है कि हम एक्साइटेड हैं इस गाने का पार्ट टू सुनने के लिए। यानी कि भोजपुरी दर्शक और परिवार में गाना ये घर में तक घुसा, इसके लिए सबको धन्यवाद कि इतना सबको अच्छा लगा, प्यारा लगा और काफी लोग एक्साइटेड हैं। तो मैं सबको बताना चाहता हूं कि अगर आपका आप ही लोगों ने राजा जाई ना बहरिया को हिट किया है और जब आप चाह ही देंगे कि पार्ट टू आना चाहिए, तो शायद मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी तक मैंने इस पे ज्यादा सोचा नहीं है, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि क्योंकि टू लाने का मतलब है कि आप लोग इंतजार करेंगे कि राकेश मिश्रा इससे अलग क्या लेके आते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ज्यादा मेहनत करना होगा। तो क्या वो सॉन्ग बड़े स्टार के साथ होगा, दिनेश लाल सर या हीरो जी केसारी या पवन? भोजपुरी गायकी में जे मैंने मेल एक्टर के संग डुएट ना गवाला जब भी गवा। हाँ, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है कि इस गाने में क्या कोई अपने भोजपुरी इंडस्ट्री कोई स्टार एक्ट्रेस रहेंगी जो वीडियो एल्बम करेंगी, या कौन रह सकता है? तो वो बात की बात है, वो भविष्य के घर में। लेकिन, लेकिन लेकिन बंदे ने सवाल वाकई में बहुत जबरदस्त है, क्यों नहीं भोजपुरी में दो सुपरस्टार या स्टार एक साथ ड्यूट करते हैं? सर देखो, ये क्यों नहीं करते हैं या आप क्यों नहीं करना चाहते हैं? मैं बता रहा हूँ, तो सुनिए, क्यों नहीं करते हैं, पहली जो आपके क्वेश्चन है उसका आंसर लीजिए। थोड़ा सा दुबे जी धीरे धीरे, अच्छा रहेगा। क्या है कि हमने क्या बोला कि हमारे इंडस्ट्री के ये लोग मार्गदर्शक हैं, जो हमारे बड़े भाई लोग हैं, गार्जियन है हम लोग के। अभी तक का रूल उन्होंने क्या किया है वो हम लोग देख रहे हैं, और क्या होता है वो भी देख रहे हैं, क्या होगा वो कोई नहीं देखा है, बट क्या हुआ है और क्या हो रहा है वो अभी तक आप देखे हैं। आप लाख हर हर आप इंटरव्यू में जाके भले क्वेश्चन दागिए, लेकिन आपको क्या कुछ दिखा है? नहीं दिखा है। तो ये जो रूल चल रहा है वो चल रहा है। अगर मुझे राकेश मिश्रा फॉलो किए तो खड़े रहो, नहीं फॉलो किए तो आगे बढ़ो, ज्यादा समझदार हो गए हो तो भाई हम परिवार में खड़ा रहने आए हैं, हम आगे बढ़ने नहीं आए, घसकने नहीं आए। म्यूजिक वाइट से अभी आपका गाना रिलीज हुआ है जिसमें आप वीडियो में दिख रहे हैं अक्षरा जी के साथ में, और अक्षरा जी परसों लाइव आकर रो रही थी, तो जो घटना आपके साथ हुआ था वो उनका कहना है कि उनके साथ भी हुआ है। सर देखिए, आप अगर अक्षरा जी का जैसे जिक्र किए, या मैं फर्स्ट टाइम अक्षरा जी के साथ ऑन स्क्रीन काम किया, और थैंक यू सो मच अक्षरा जी को स्पेशली, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ऑन स्क्रीन काम किया। मैं आपको बोला ना कि क्या होता है, बातों से आज तक सृष्टि नहीं खरीदाई है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या है वो देखने से पता चलता है। मैंने उनके साथ वो गाना फुल नाइट शूट किया, और मैंने पहली बार किसी एक्ट्रेस या सिंगर को देखा जो सर अपने एल्बम के वीडियो पे इतनी सीरियस हैं, इतनी सीरियस हैं, जैसे ऐसे लगता है जैसे वो किसी फिल्म की शूटिंग कर रही है। मतलब एक होता है ना कि उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट होना, उसके ऊपर ध्यान देना, चीजों को करना। पर्सनली मुझे उन्होंने कुछ चीजों में इतना अच्छा गाइड किया कि नहीं नहीं मुझे ऐसे नहीं, ऐसे चाहिए। मैंने उनको खुद बोला कि अरे इतना अच्छा एल्बम का सेट आप सजाई हैं। मैं खुद उस गाने को किया, मुझे इतना उस गाने से उम्मीद था। मैंने बोला कि यार ये तो गाना बहुत खूबसूरत है, और एक होता है ना एक बहुत ग्रेटेस्ट लेवल पे उसको शूट किया गया। लेकिन फाइनली जो भी उनके साथ हुआ, मैंने भी उनका लाइव सुना, तो अक्षरा जी के लिए मेरा कोई सलाह नहीं है, क्योंकि वो मेरे से काफी टैलेंटेड हैं, काफी काफी फिल्में कर चुकी हैं, काफी एल्बम, वो एक अपने आप में एक चुनिंदा स्टार है लोगों के लिए। उनका एक पॉपुलरिटी, उनकी चीजें उनको समझ में आती है,
लेकिन अगर एज ए को एक्टर मैं बोलूंगा तो मेरा एक ही उनसे बात होगा कि उनकी दो चार वर्ड मैंने सुना लाइफ में जो कि सही था, फिर वहीं पे बात आ गया जहां पे मैंने शुरू किया था कि सब कुछ ठीक है। अगर उनसे किसी को कोई बात भी है, चाहे किसी भी आर्टिस्ट से कोई भी बात है, मैं किसी का बोल रहा हूँ, उसको पर्सनली बुला के बोल दीजिए, लेकिन किसी के कैरियर पे क्यों हमला करने का, क्यों, आखिर इससे क्या होगा? आप कल राकेश मिश्रा को परेशान कीजिए, कीजिए ना सर, दो चार महीना कीजिए, गलती से कभी, मान लीजिए हर इंसान इंसान है, मैं सबको बोल रहा हूँ, आप भी मीडिया में न्यूज चला रहे हैं, आप सबको बोल रहा हूँ, आप सबकी भी लाइफ है, गलती से किसी दिन आप एक इंसान का मानसिक तौर कभी ना कभी डिस्टर्ब होता है, किसी दिन राकेश मिश्रा ने सोच लिया छोड़ो यार अब नहीं सहना है, और मैंने अगर कोई गलत कदम उठा लिया, फिर तो सुबह आप फेसबुक पे फरा आराम से पोस्ट करोगे, नहीं रहे बहुत अच्छे थे, मेरे दिल के करीब थे, बहुत अच्छे थे, नहीं रहे, अचानक कैसे हो गया ये, कैसे राकेश कर लिए। सर मैं एक बात बोल रहा हूं, मेरी ये कोई मीडिया में बात नहीं है, मैंने ये बोला कि इन सब चीजों को कहीं ना कहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, मानसिक प्रेशर से दूर क्यों नहीं हो रही है काम, वर्क को मानसिक प्रेशर से दूर कीजिए ना, कहीं ना कहीं ये तीन बड़े एक्टर हैं वो इस इंडस्ट्री को दबा रहे हैं और नए लोगों को काम करने नहीं दे रहे। देखो सर, मैंने क्या बात बोला, क्या हो रहा है ये किसी को नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है। नहीं मेरे को पता नहीं, आपको नहीं पता, आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है, आप अपनी बात रख दे रहे हो, इसी तरह बातें बहुत कुछ रख देता है। मैंने सिर्फ ये बोला कि जैसे संजय पटियाला भाई साहब ने पूछा कि अक्षरा जी रो रही थी, तो आदमी यार करोड़ों आदमी फैन के सामने अचानक आके ऐसे ही रोने लगेगा? और नहीं तो नीचे उनके पुजारी और भक्त लोग लिखते हैं कि गाना हिट कराने के लिए ये रो रहे हैं राकेश मिश्रा, गाना हिट कराने के लिए रो रही है फलानी। भाई साहब, इस दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो 1 करोड़ 1 लाख आदमी के सामने ऐसे ही आके रोने लगेगा। जब इमोशन टूटता है ना, उससे जाके पूछो कि टूटता कितना है, और कोई मेहनत करता है और इसकी चीजों को जब आप बर्बाद करते हो ना, तो वो उस टाइम टूट जाता है, मजबूरी होती है। मैं ही टूट गया था, मैंने रो दिया था लाइफ में, क्या करूं। तो राकेश जी कोई आईडिया आप ही बता दीजिए, कैसे चलना चाहिए, कोई आईडिया आप दे दीजिए कि जो इंडस्ट्री उस पे चल रहा है। मेरे तरफ से सर कोई आईडिया नहीं है, इसमें तो आईडिया की जरूरत ही नहीं है, इंडस्ट्री चल रही है, अपने अपने काम से चलाया जाए, बात खत्म। किसका चल रहा है किसका नहीं चल रहा है ऊपर वाला तय करेगा, आप क्यों तय करेंगे, आप इंसान है भगवान है, आप क्यों तय करने पर लगे हुए हैं कि यही चलेंगे और ये नहीं चलेंगे, इनको बड़ा बनाया जाएगा इनको छोटा बनाया जाएगा, ये कौन सी बात है। भोजपुरी में हमेशा से विद्रोह देखा गया है, अक्सर टकराव देखा गया है, आज फिर ये टकराव सामने आया हुआ है, क्या कहेंगे, ऐसा क्यों होता है ऐसा? देखो सर, अब आप जिसको टकराव बोल रहे हो, खुदा ना करे भगवान ना करे किसी दिन आपके लाइफ में आपका किया हुआ काम को किसी ने सुबह सुबह हटा दिया, मैं आपसे भी पूछूंगा कि कहां टकराव आपके मन में आ रहा है। भाई रोजी रोटी बर्बाद करना कौन सा टकराव का बात है, रात को किसी के मेहनत को खराब करना कौन सा टकराव का बात, ये टकराव थोड़े है, ये गोतियागिरी थोड़े है, गेहूं तेलहन थोड़े कटाता है, खेत बधार के थोड़े नौकरी है, रउरा मीडियम बनिए कल भोरे रंग माई को एक छिना जाओ, तो रउरा मन में दुख होगी सुख होगी, हंसब रो अब रो अब। भाई धंधा किसी का हो, एक गरीब आदमी का ठेला भी चल रहा हो, उसको आप मार के हटा देंगे तो उसको दुख होगा। तो हर व्यक्ति का अपना जीवन है, ये टकराव नहीं है, ये हो सकता है कि अब इस चीज को बढ़ा दिया जाए कि टकराव, ये जेन्युइन बात है कि सब कुछ ठीक है। आप मुझे पर्सनली अगर कोई भी, जैसे इन्होंने पूछा वो रो दी, राकेश जी आप रो दिए, अभी कुछ और कलाकार अपना अपना पोस्टर लेकर रो रहे हैं कि मेरा ऐसे हो गया, भैया समझने की बात है। तो मेरे कहने का मतलब है कि क्या यहाँ पे हक है ना, जेन्युइन तरीके से अगर देखा जाए तो हक तो सबको है, पैसा तो उनको देना है ना। मान लीजिए हम 20 दिन से दौड़ रहे हैं और मैं नहीं बहालूंगा तो इसमें मेरी गलती क्या है? बट मैं एक ही जगह राकेश मिश्रा तो आज लोगों के पास सामने चले गए, लोग